बादाम, अखरोट है या फिर है आपकी कोई अलग चीजें, या फिर बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, पर मैं यहाँ आज बात करने वाली हूँ एक ऐसे सुपर फूड के बारे में जो कि एक कॉन्स्टिपेशन के लिए तो रामबाण की तरह काम करता है। तो मैं यहाँ बात करने वाली हूँ आज बहुत एक नेचुरल से सुपर फूड के बारे में जो है कि जिसे हम अंजीर कहते हैं या फिर हम इसे फिक्स कहते हैं, यानी कि इसको इंग्लिश में फिक्स कहा जाता है एंड हिंदी में हम इसे अंजीर कहते हैं। एंड इस अंजीर के इतनी सारे दोस्तों हमारी बॉडी के लिए बेनिफिट हैं, अगर इस जितना भी हम इसके बारे में मैं बताऊँ इस वीडियो में उतना कम है। तो मैं यहाँ आज बताने वाली हूँ कि अंजीर के जो न्यूट्रिशनल कॉम्पोजिशंस क्या क्या हैं, क्या क्या इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं एंड किस तरीके से आपकी बॉडी को जो है हेल्प करता है अपने सारे सिस्टम को क्लियर करने में या सारे सिस्टम को ठीक करने में। किस तरीके से अंजीर का सेवन करना चाहिए, कितनी मात्रा में लेनी चाहिए एंड क्या गर्मी है तो हम अंजीर खा सकते हैं, बहुत सारे लोगों के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो हाय, दिस इज मी डाइटिशियन खुशबू एंड आप सबका वेलकम है डाइटिशियन खुशबू फिटनेस क्लब में। तो आइए इस वीडियो में आगे जानते हैं कि क्या है अंजीर एंड किस तरीके से लेना चाहिए हमें ताकि हमारी बॉडी को जो है हार्म ना करे। तो दोस्तों, जो अंजीर का कलर होता है वो ग्रीन से लेके पर्पल कलर तक होता है, लेकिन जब ये अंजीर जो यानी कि जब ये ड्राई फ्रूट एक तरीके का है, जब ये रैपिन यानी कि जब ये पक जाता है तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, ब्राउनिश हो जाता है या बीज कलर में हो जाता है। एंड इसके अंदर जो होते हैं सैकड़ों बीज होते हैं अंजीर के अंदर, जब ये ड्राई फॉर्म में होता है या रफ फॉर्म में होता है ये बीज जो है, इनके भी बहुत सारे बेनिफिट है हमारे हेल्थ के लिए। मैं इस वीडियो में ये बहुत चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ कि क्या क्या बेनिफिट हैं। अंजीर का जो न्यूट्रिशनल कॉम्पोजिशन है यानी कि इसमें जो पोषक तत्व है ना, ये पोषक तत्व से भरपूर है, यानी कि इसमें जो पोषक तत्व पाए जाते हैं ये विटामिन B6 हो या B5 हो, B1 है, बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। साथ ही फाइबर में बहुत अच्छा रिच होता है, कैलोरी में जो है इसमें 100 ग्राम में जो है 74 कैलोरी के आसपास ही होता है। साथ ही इसमें नेचुरल शुगर भी पाया जाता है, जो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट दी है अंजीर की, इनमें सारी चीज़ें जो है कॉम्पोजिशंस लिखी हुई हैं, इन सारी चीज़ें ही हमारी बॉडी के लिए जो है बहुत ज़्यादा इसेंशियल होते हैं। अगर मैं ये यहाँ पर बोलूँ कि अगर आप अंजीर खाएँ और अपनी जो जितने भी आपके सप्लीमेंट मार्केट में अवेलेबल हैं उनको आप हटा सकते हैं, 2 अंजीर आप उन सारे सप्लीमेंट के इक्वल हैं जो आप अपने डेली डाइट में सम्मिलित करते हैं आर्टिफिशियल तरीके से, उसके साथ आप नेचुरल सोर्स जो है ले सकते हैं अंजीर के फॉर्म में। तो मैंने यहाँ पे एक चार्ट दिया है, उस चार्ट को आप देख सकते हैं कि इसमें 100 ग्राम में क्या क्या चीजें कितने पे पाई जाती है एंड उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपने डाइट में उसको सम्मिलित कर सकते हैं। बदलते लाइफस्टाइल की वजह से या फिर आपके खान पान की वजह से, आपके स्लीपिंग पैटर्न की वजह से, आपके वर्क की वजह से कई बार जो है हमारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो जो अंजीर है ना दोस्तों, वो है आपके जो जितने भी कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज से रिलेटेड अगर कोई समस्या अगर आपको आती है तो अंजीर उसमें रामबाण की तरह ही काम कर सकता है। तो बस क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत अच्छी मात्रा में होता है फाइबर जो आपके स्टूल को सॉफ्ट कर देता है और उसे ईजिली डेफिकेट यानी कि पास करने में वो हेल्प करता है, ताकि आप इजीली जो अपने स्टूल को पास करें ना आपको अच्छा महसूस हो। साथ में ही जो है इसको लेने का तरीका क्या है, तो करना क्या है आपको, 2 अंजीर को लेना है 1 कप यानी कि लो फैट मिल्क लेना है। लो फैट में आप जो है बुफेलो मिल्क ले सकते हैं, बुफेलो मिल्क अगर आप लेते हैं तो उसकी मलाई को हटाना होगा। काउ मिल्क लेंगे तो आप मलाई हटा भी सकते हैं, नहीं भी हटा सकते हैं। तो इसमें 2 जो दे है अंजीर एंड उसको साथ में आपको 1 कप दूध के साथ में उबालना है अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए एंड बॉईल करने के बाद इसको जो है थोड़ा गुनगुना होने दीजिए, देन आप अंजीर को अच्छे से चबा के खा सकते हैं एंड जो ये दूध है ये आप जो है ले सकते हैं। ये प्रक्रिया आपको जो है आपके कॉन्स्टिपेशन में आपको बहुत हेल्प करती है, आपके मोशन को इजिली डेफिकेट करने में हेल्प करती है। मोशन अगर क्लियर नहीं होता है तो उससे बहुत तरीके की आपकी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। इस वजह से आपका गट हेल्दी तो आपका ब्रेन हेल्दी, सारी चीज़ें जो है इससे कनेक्टेड होती हैं। तो इस तरीके से आप इसको फॉलो करके अपने लाइफस्टाइल को बहुत ही तरीके से हेल्दी बना सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ बात करने वाली हूँ अंजीर से होने वाले बेनिफिट के बारे में। इसके बहुत से अमेजिंग बेनिफिट हैं जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो पहला बेनिफिट तो यही है कि आपके हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करने में, हार्ट को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाता है, क्योंकि आपके हाई ब्लड प्रेशर्स को, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को जो है मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। साथ ही जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उनको रिड्यूस करके गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को अच्छी करता है, यानी कि HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। साथ में ही ये जो भी आपकी आर्टरीज हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो चुका है उनको वो रिप्लेस करता है थ्रू द नेचुरल प्रोसेस,
ताकि जो आपका ब्लड प्रेशर है या ब्लड का जो फ्लो है वो बहुत अच्छा हो एंड आपके हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट ना हो। क्योंकि विटामिन में मैंने बताया जैसे कि बहुत सारे जो हैं नेचुरल इनमें जो सोर्स होता है इसके पोषक तत्व तो होते हैं, ये कुछ ऐसे पोषक तत्व तो होते हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को, आपके ब्लड प्रेशर को एंड आपकी जितनी भी रिलेटेड टू द हार्ट हेल्थ हैं, जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उनको वो ठीक करने में हेल्प करता है, साथ ही आपके हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है ताकि आपका हार्ट हेल्थ अच्छे से काम करे और आप हेल्दी रहें। सो नंबर दो पे मैं बात करने वाली हूँ अंजी कि हमारी स्किन हेल्थ के लिए किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है। इसमें इतनी सारी न्यूट्रिशन कॉम्पोजिशन होने की वजह से ये हमारे स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। अगर आपके ड्राई स्किन है तो उसको अच्छी स्किन बनाने में, उसको हाइड्रेट करने में हेल्प करता है। इसके साथ ही ये हेल्प करता है एक्जिमा में, अगर स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको है उसमें भी ये हेल्प करता है। साथ में अगर स्किन पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं तो उसको वो दाग धब्बों को हटाने में भी आपकी हेल्प करता है। इसके साथ ही ये हेल्प करता है अगर स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिंकल्स हैं तो रिंकल्स को रिड्यूस करने में, यानी एंटी एजिंग की तरफ भी काम करता है। क्योंकि जो अंजीर है वो एक नेचुरल सुपर फूड है जो आपकी बहुत सारे हेल्थ के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करता है। नंबर थ्री पे मैं बात करने वाली हूँ कि जो अंजीर होती है ना वो फीमेल या मेल दोनों के लिए ही, उनके फर्टिलिटी हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। अगर मैं फीमेल में बात करूँ तो अंजीर खाने से जो फीमेल में ओवुलेशन है उनका वो बहुत सही होता है, जिससे कि उनकी फर्टिलिटी हेल्थ या उनकी फर्टाइल हेल्थ जो है वो काफ़ी इम्प्रूव होती है। तो अगर आपको फर्टिलिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर्स के सलाह के बाद आप अंजीर की सेवन कर सकते हैं। ये आपकी फर्टिलिटी हेल्थ को जो है इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करती है, क्योंकि आपकी ये ओवुलेशन साइकिल को जो है रेगुलेट करती है, सो दैट कि आपकी फर्टिलिटी हेल्थ जो है मेंटेन रहे। नंबर फोर में मैं बात करने वाली हूँ कि जो अंजीर होती है वो स्वेलिंग को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। अर्थराइटिस एक कॉमन प्रॉब्लम है, आजकल लोगों के बीच में काफ़ी देखी जा रही है। अगर अर्थराइटिस से रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप अंजीर की सेवन करके आप अपनी अर्थराइटिस के पेन से जो है ये बच सकते हैं। क्योंकि जो फिक्स होता है यानी कि जो अंजीर होता है उसमें एक एंटी ऑक्सीडेंट पाया जाता है जो बॉडी में ज्वाइंट पेन, मसल्स पेन या किसी तरीके का कोई भी स्वेलिंग है, सूजन है, तो उनको कम करने में जो है वो हेल्प करता है एंड आपकी बॉडी को ऑल ओवर हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। डे बाय डे हमारे शरीर के अंदर कहीं ना कहीं जो है टिश्यू का ब्रेकडाउन यानी कि रिपेयरिंग प्रोसेस जो है वो चलती रहती है, तो ये टिश्यू को रिपेयर करके नए टिश्यू को बनाने में यानी कि नए ऊतक बनाने में जो ये हेल्प करता है एंड साथ में आपकी बॉडी को जो है हेल्दी रखता है। ना मैं नेक्स्ट डिस्कस करने वाली हूँ हाउ टू यूज़ एंड हाउ मच, यानी कि अंजीर को कितना और कैसे लेना चाहिए मैं ये बताने वाली हूँ। जो ड्राई अंजीर होती है ना वो हाई इन कैलोरी होती है, तो अगर आप इसका सेवन करना चाहते हैं तो एक या दो से ज़्यादा ना लें एक दिन में, क्योंकि साथ में जो है अंजीर की जो तासीर होता है यानी कि जो इसका नेचर होता है वो होता है गर्म। तो अगर आप गर्मियों में इसका सेवन कर रहे हैं तो इसको रात को सोख करके लें और साथ में जो है उसका पानी जिसमें आपने सोख किया हुआ है उस पानी को जो है पी सकते हैं। दैट इज़ अ वेरी न्यूट्रिशियस बिकॉज आप उसको ओवरनाइट सोक कर रहे हैं तो जो भी अंजीर के अंदर न्यूट्रिशन कॉम्पोजिशन है वो वाटर के साथ में आ जाता है, तो उस वाटर को डिस्कार्ड ना करें, फेंके नहीं, उस वाटर को इनटेक कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो अंजीर को दूध के साथ में लेना जो है आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो इस तरीके से आप अंजीर का सेवन कर सकते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को बहुत ही हेल्दी तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। अंजीर एक जो है आर्टिफिशियल जितने भी सप्लीमेंट है उनका एक नेचुरल रिप्लेसमेंट है, तो अगर कोई आप आर्टिफिशियल जो है सप्लीमेंट ले रहे हैं अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए, हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए या खुद को फिट करने के लिए, तो उसके जगह पे आप एक या दो अंजीर ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको डायबिटीज है तो उसको लेने से पहले आप अपने शुगर लेवल को मॉनिटर करें या जो भी आपके हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनसे जो है एक बार हेल्प लेने के बाद ही अंजीर का सेवन करें। दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करके जाएं एंड मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं नेक्स्ट आप कौन सा टॉपिक मुझसे जानना चाहते हैं, डेफिनेटली मैं उसमें हेल्प करूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।